أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات. آپ کو انتظار کی تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور میری مجبوری کو آپ جان رہے تھے، میں مسلسل تقریریں کر رہا ہوں رضویہ کالونی کے امام بارگاہ میں، وہاں کی تقریر کے بعد یہاں حاضری لازم تھی، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. چونکہ یہ ایک اہم شب ہے اور بہت ہی قابل قدر اس کی گھڑیاں ہیں، اس لیے اگر کچھ وقت اس طرح سے یہاں صرف ہو تو وہ عبادت سے خالی نہیں ہے، اور خصوصیت سے جبکہ آپ کو کل کے لیے فرصت کا علم ہے. ماہ محرم کی پہلی 10 شبوں کے بعد آج اس طرح سے آپ کو زحمت دی جا رہی ہے کہ تقریباً 10:45 ہم آپ سے مخاطب ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی شب ہے؟ یہ 25 محرم کی رات ہے، یعنی شہادت امام زین العابدین کی رات ہے. ہم سال بھر حسین کو روتے ہیں، آج عابد بیمار کا ذکر کریں. بیمار امام کا، مظلوم امام کا ذکر کریں. اس ذکر کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے
कि यहां से मजलिस के बाद एक जुलूस भी जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि जब कभी जुलूस निकलता है उसके माना यह है कि कभी तारीख में कहीं जुल्म हुआ है। हमेशा जुलूस जुल्म के खिलाफ एहतजाज है, जुल्म के खिलाफ एहतजाज है। यह जुलूस निकलेगा, आबिद बीमार के अलम साथ होंगे। क्यों कहूं कि आबिद बीमार के अलम साथ होंगे, यह क्यों ना कहूं कि खुद अब्बास का अलम भी होगा। और इस तरह से आप यहीं करीब में खारादर के बड़े इमाम बाड़े तक जाएंगे और अपना एक जरूरी फरीजा अदा करेंगे। एक ही दिन शायद साल में ऐसा मिलता है कि इस इमाम के मुतालिक कुछ वाकयात का आपको इल्म हो, तो पहली काबिल तवज्जो बात ये याद रखिए कि करबला के बाद यानी हुसैन इब्न अली के बाद अगर किसी की औलाद को मुसलसल कत्ल किया गया तो ये आबिद बीमार। बनी उमैया ने कत्ल किया, बनी अब्बास ने कत्ल किया, शाहियों ने कत्ल किया, धून धून के कत्ल किया, जैद शहीद और जैद शहीद की औलाद को चुन चुन के कत्ल किया। आबिद बीमार की औलाद हमेशा मुकाबले के लिए आमादा रही कि अगर कभी मौका हो तो यह नहीं कि हक को बदल दे, यह नहीं कि दीन को छोड़ दे, यह नहीं कि अपनी कदरों से हट जाए, नहीं, वही कहेंगे जो इनके पदर गरामी ने कहा था, वही कहेंगे जो इनके जद्द गरामी ने कहा था। मगर मुआमला अगर तेगो गुलू का आ जाए, अगर मुआमला खंजर और गर्दन का आ जाए, तो वहां आबिद बीमार की औलाद कभी पीछे नहीं हटी। तो कुर्बानी तो है, देंगे। पूरी तारीख गवाह है कि आपके साहबजादों में, आपकी औलाद में, आपकी नस्ल में जितने शहीद गुजरे किसी इमाम की नस्ल में इतने शहीद नहीं है। करबला का सिलसिला, करबला की याद आबिद बीमार से बाकी रही। दुनिया समझी कि करबला के बाद अकेला बच गया, मगर क्या मालूम था कि इस तन्हा से भी जब बदला लिया जाए तो लश्कर के लश्कर दौड़ेंगे, कभी खुरासान, कभी बसरा, कभी अहवाज, कभी बगदाद, कभी मदाइन, कभी नैशापुर, ढूंढ रहे हैं कि सादात कहां कहां है, जैदी सादात कहां कहां है, इमाम जैनुल आबिदीन की औलाद कहां कहां है, कत्ल किए जा रहे हैं। यहां तक कि वो दौर भी आया कि आबिद बीमार की औलाद अपना तआरुफ नहीं करवाती थी कि हम किसकी औलाद हैं। एक वक्त वो भी आया कि कहीं शादी की, कहीं औलाद हुई तो बच्चों को यह नहीं मालूम था कि हमारा बाप सैयद सज्जाद का पोता है, बच्चों को यह इल्म नहीं होता था। हजरत ईसा इब्न ज़ैद के हालात से दुनिया को वाकफियत है, जिंदगुजारी सक्काई करते करते कूफे में एक ऊंट ले लिया, पानी से मशकें भर ली, मशकों को ऊंट पर लादा, एक एक के घर में पानी पहुंचा रहे हैं,
जो कुछ मिल रहा है उससे बच्चों को पाल रहे हैं। जब लड़की बड़ी हुई तो महल्ले वालों ने कहा कितना अच्छा चेहरा है, कितनी अच्छी सूरत है, हम तो अपने बेटे के लिए मांगेंगे। तो बीबी ने कहा वो तो सक्का है, उसकी बेटी को लेके क्या करेंगे। कहा नहीं मालूम, तुमको किरदार है, जो कुछ है किरदार है, इससे बढ़के कोई शरीफ आदमी नहीं है। बीबी ने जाके इनके घर में कहा इनकी बीबी से कि तुम्हारी बेटी से हम अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं। ये खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। जब आए घर में बुजुर्ग तो कहा कि लो मुबारक हो, हमारी बेटी के लिए पैगाम आया। तो ये थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, कमरे में गए, मुसल्ले को बिछाया, सजदे में सर रख के आवाज दी, सैयद सज्जाद का पोता और इस तरह अपनी बेटी को कूफे वालों के हवाले करे, मालिक बस इतनी दुआ है कि इस बच्ची का दम निकल जाए, इस बच्ची का दम निकल जाए। अभी सजदे से सर नहीं उठाया था कि बाहर आके देखा कि बच्ची ने दम तोड़ दिया। मां पुकारने लगी तो ये कह के तसल्ली दी, अल्लाह की मर्जी यही है, अल्लाह की मर्जी यही है। अभी जब बीमार की औलाद में ये गैरत थी कि कोई गैर शादी के लिए बेटी को न मांगे, क्या गुजरी होगी आबिद बीमार पर जब शाम के दरबार में किसी ने सकीना को कनीजी के लिए मांगा होगा। अल्लाह, बड़ा दुख है, बड़ा गम है, कभी कभी कांप जाता हूं इस तसव्वुर से कि आबिद बीमार ने कितना सब्र किया, मेरे मजलूम इमाम ने कितना सब्र किया। कांप जाता हूं इस तसव्वुर से, मां फूफी बहनों को दरबदर देखना, सरे बाजार देखना, बेरिदा देखना। एक जुमला याद रखिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वाकयात को बतलाते हुए जाऊंगा। इमाम है, चौथे इमाम है, आपके इल्म इत्तला के लिए ये मालूम है, अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी में विलादत हो चुकी है। अमीरुल मोमिनीन ने अपने पोते को देखा है, हुसैन के बेटे को देखा है। अमीरुल मोमिनीन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गोद में लिया है और 30 हिजरी में विलादत है। 2 बरस या 3 बरस का सिन है जब अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अमीरुल मोमिनीन ने देखा है, हसन इब्ने अली ने देखा है, हुसैन इब्ने अली ने सारा कुंबा इमाम के हवाले किया है। जाते हुए सूरह हम्द की तिलावत करके बाजू को थाम के इतना कहा, बेटा अब ये काफिला तुम्हारे हवाले है, आबिद बीमार, जाओ मदीना जाओ, मगर जब जाओ तो मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कहना और ये कहना कि अगर ठंडा पानी पियो तो मुझे न भूलो, और अगर किसी गरीब की मुसीबत को सुनो तो मुझे याद करो, और मेरे दोस्तों से ये भी कह देना कि तुम बहुत याद आए जब मैं अली असगर के लिए पानी मांग रहा। आबिद बीमार ने अपने दादा को देखा, अपने चचा को देखा, अपने पदर गिरामी की शहादत देखी। आबिद बीमार ने कूफे का बाजार देखा, कूफे का दरबार देखा। आबिद बीमार ने शाम का बाजार देखा, शाम का दरबार देखा, शाम का कैदखाना देखा। सारी मुसीबतें झेली। किसी ने बाद में पूछा, फरजंदे रसूल करबला में यकीनन तकलीफ हुई होगी। फरमाया नहीं, नहीं, मर्द थे लड़े। फरमाया नहीं, बहादुर थे लड़े। फिर अर्ज किया, मौला कहां तकलीफ हुई। फरमाया अश्शाम, 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 मुझे शाम में बड़ी तकलीफ हुई। इमाम का एक जुमला मकातिल में लिखा है और वो अजीब व गरीब जुमला है, मैं कैसे कहूं कि ज़बान इमामत पे ये जुमला कैसे आया, मगर कितनी तकलीफ हुई होगी इमाम को जबी तो ये कहा। जब दरबार में आए तो बेख्तियार कहा,
या लई तो उम्मी लम तलिदनी अलियाम, काश आज के दिन के लिए मैं पैदा न हुआ होता। क्या गुजरी होगी इमाम के दिल पर कि आज के दिन के लिए मैं पैदा न हुआ होता। फरजंद रसूल ने मारके झेले, आखिरी खिदमत अदा की, शाम के कैद खाने में इजाजत नहीं दी किसी को भी जनान शाम और अहले शाम में से कि कोई बच्ची के दफन के लिए आए। खुद मेरे गरीब इमाम ने कब्र खोदी, शाम के कैद खाने में अपनी बहन को दफन किया, बाप ने अली असगर को दफन किया था, बेटे ने सकीना को दफन किया। और उसके बाद सवारी चली मदीना, मदीने की जिंदगी शुरू हुई। ये आखिरी जुमले हैं, हम अपना पुरसा देना चाहते हैं हजरत हुज्जत को, आबिद बीमार का पुरसा के फरजंद रसूल, आपके अजदाद में अइम्मा ताहरीन में एक ऐसा इमाम भी है कि हमेशा जब कभी बैठते महफिल में तो अबा को फैला के अपने पांव पर डाल लेते। मिनहाल बयान करता है, मैं एक दिन एकाएक गया तो अबा हटी हुई थी, मैंने देखा पांव की हड्डी नजर आ रही है। मैंने अर्ज किया फरजंद रसूल ये गोश्त नहीं है पैरों पे, तो फरमाया करबला से कूफा, कूफे से शाम, मुझे जिस नाके पर बिठाया गया था उस पर रस्सी से कस के बांध दिया। मेरे मौला, आज आपकी सवारी का दिन है, गुलाम याद करने के लिए जमा है। एक मर्तबा आज की रात थी कि ऐसे बीमार को भी जहर दिया गया और मेरा इमाम ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदकना वादहु वो औरसना लर्ज। अल्लाह का शुक्र है उसने वादे को पूरा किया, हमको जमीन का वारिस बनाया। न तबव्वो मिनल जन्नत हैसु नशाओ फने माजुल आमिलीन, ये कहते कहते आंखें बंद की। इमाम बाकर कहते हैं